सोचिए आप फोन पर बात कर रहे हो और आपका पूरा ध्यान डिस्चार्ज हो रही बैटरी पर हो। आप परेशान हो कि बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सालों से आपने अपने फोन को गलत तरीके से चार्ज किया है? आइए हम बताते हैं कि क्या है सही तरीका आपके फोन को चार्ज करने का। बहुत से लोग अपने फोन को तब चार्जिंग पर लगाते हैं जब वो सोने जा रहे होते हैं और फोन को रात भर चार्ज करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर स्मार्टफोन, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिथियम आयन बैटरी से बने होते हैं, जिनमें एक एनोड, एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब फोन इस्तेमाल किया जाता है तो चार्ज को पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रोलाइट में पुश किया जाता है। लेकिन जब हम फोन को प्लग इन करते हैं और चार्ज करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है और बैटरी पर असर डालती है। अपने बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा देर तक चलने के लिए आप निम्न बातों पर जरूर गौर करें। पहला, अपने फोन को थोड़ा थोड़ा और एक निश्चित समय के बाद बार बार चार्ज करते रहें। कभी भी अपने फोन को चार्ज करने से पहले पूरा डिस्चार्ज न होने दें। अपने फोन की बैटरी हमेशा 65% से 75% के बीच में रखें। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम अपना फोन फुल चार्ज होने के बाद भी नहीं निकालें तो उसका कोई भी असर फोन पर नहीं होता, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद चार्जर ऑटोमेटिकली फोन को चार्ज करना बंद कर देता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने फोन की बैटरी की लाइफ को इस तरह से बढ़ाएं। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखना न भूले लोकमत न्यूज हिंदी.in।